वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मालिनी सोलोइस्ट। व्हाट्स अप गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम ब्यूटी ब्लॉग के प्रोडक्ट्स के लिए ऑनेस्ट रिव्यूज हैं। और ये एम कैफीन का प्रोडक्ट्स है और डेफिनेटली आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक नहीं, दो नहीं, ये तीन तीन प्रोडक्ट्स के लिए मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा कि ये एम कैफीन का बॉडी पॉलिशिंग ऑयल है, जहाँ पर आपको कॉफ़ी के सारे प्रोडक्ट्स ही मिल जाएंगे। सेकेंड प्रोडक्ट है बॉडी स्क्रब और थर्ड प्रोडक्ट है बॉडी बटर। फर्स्ट प्रोडक्ट को लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर इसमें लिखा गया है कि ये बॉडी पॉलिशिंग ऑयल है। जनरली क्या होता है कि हम स्पा में जाते हैं, 3 महीने का या 4 महीने के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं एंड इट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इट्स बेटर कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं इनिशियली, पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेट्रिक है, उसको सीरियसली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको जाना ज़रूरी होगा। बट यस, जो कभी स्पा नहीं गए हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं और उनको लगता है कि 1000 रुपीज़ खर्चा अगर हम एक स्पा में कर देते हैं, इट्स बेटर कि हम इस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ कर सकें, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट बॉडी पॉलिशिंग ऑयल है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये बॉडी पॉलिशिंग ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट प्राइस के हिसाब से बोलूँ तो ये आप देख सकते हैं प्राइस इज 445 रुपीज़, पर मुझे इसको 30% डिस्काउंट में मिला है nykaa.com से। इनफैक्ट यू कैन बाय ऑल्सो इन purple.com और Amazon, Flipkart, मित्रा, बहुत सारे आप ई कॉमर्स वेबसाइट में आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर 40-50% ऑफ में भी सेल पे मिल जाता है और बहुत टाइम ये सेल पे चलता है। मिनिमम अगर आप एम कैफीन के वेबसाइट से जाते हैं तो 10-20% ऑफ में आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक में भी दे दूंगी मैंने कहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया है एग्जैक्टली। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूँ, एम कैफीन का जो प्रोडक्ट है ये सारा मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने लॉन्च किया है कॉफ़ी बेस्ड। वेल, आई रियली लव कॉफ़ी स्मेल, सो मुझे पता नहीं क्यों ये बॉडी पॉलिशिंग ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी पैकेजिंग के लिए अगर मैं देखूँ तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। लिटरली क्या होता है, समटाइम्स हम जब भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल एक साथ हाथ में आ जाता है, पर ये जो है इसकी पैकेजिंग क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें बहुत कम अमाउंट में ऑयल आता है और इसमें हम आप इजीली हैंड को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लिखा ही गया है कि इसमें विटामिन ई है। मोस्टली मुझे देख के लगा इसमें सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉरी, इसमें जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। पता नहीं क्यों, पर मैं जब यूज़ की मुझे नेचुरल 100% नहीं लगा, कुछ तो सिंथेटिक होगा ही इसमें भी। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इसमें आर्गन ऑयल्स हैं जो बहुत हमारे बॉडी ग्रो करने के लिए अच्छा होता है, स्किन टोनिंग के लिए अच्छा होता है। जनरली मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉडी पॉलिशिंग ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। अगर मैं इसका 30% भी डिस्काउंट करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस रहता है। मैं हमेशा इसको मल्टीपल टाइम्स में यूज़ नहीं कर सकती। वेल, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको डेली यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम ना परचेज कर सकूँ। इसमें कॉफ़ी बीन्स है जो मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जनरली बहुत सारे ऑयल्स में नहीं होता है और मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल्स एंड वेरी हार्श ऑयल्स लाइक दैट। आई डेफिनेटली यूज्ड बेबी ऑयल और कोकोनट ऑयल्स, बट नेक्स्ट मैंने ये ऑयल यूज़ किया उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा नरिश्ड है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है इस बॉडी ऑयल को यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट बॉडी स्क्रब।
वेल बॉडी स्क्रब का जो मैं फर्स्ट पैकेजिंग के लिए आती हूँ, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। अब तक मैंने इसके प्लास्टिक्स भी ठीक से नहीं निकाले हैं। इसका अंदर का आप देख सकते हैं, मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया है। एग्जैक्टली कॉफी स्मेल की ही है, एग्जैक्टली जैसा आपको कॉफी लगता है वैसा ही है, कॉफी पाउडर जैसा है। और इसके साथ ये एक स्पैचुला आता है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बट थिंग इज दैट अगेन, इसका प्राइस के हिसाब से मैं अगर बताऊं कि ये 449 रुपीज का प्राइस है और ये अगेन मुझे 30% ऑफ में मिला क्योंकि मैंने एक साथ ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे। बट पता नहीं क्यों मुझे इससे ज्यादा बेटर लगता है कि आप अगर आप 1 रुपए के सैशे खरीदते हैं, कॉफी पाउडर खरीदते हैं, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें जो आपको मॉइस्चराइजर मिलेगा वो सेम मॉइस्चराइजर ये भी मिलेगा। वेल मैं ज़्यादातर बॉडी स्क्रब यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और इसमें लिखा ही गया है इट्स नॉर्मल टू ऑयली के लिए है और ड्राई के लिए ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो डेफिनेटली ड्राई स्किन के लिए ये यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आई वुड डेफिनेटली टेल यू दैट मैं नेक्स्ट टाइम तो इस प्रोडक्ट को मैं परचेज भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसको मैं और चीपेस्ट वे में मैं इसको यूज कर सकती। नेक्स्ट मेरा है दैट इज कैफीन फॉर द बॉडी बटर। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा पर स्मेल वाइज उतना मुझे खास नहीं लगा। इट्स वेरी वैक्सी, आप इसका यूटिलाइज देख सकते हैं कि मैंने कितना सारा यूज कर लिया। वैसे बाहर से दिखता नहीं है पर अंदर से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वैक्सी है। और मैंने इसको विंटर में परचेज किया था ये तीनों प्रोडक्ट्स, और मैंने अब तक के 3 महीने में मैं इसी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा यूज किया है एंड बॉडी पॉलिशिंग ऑयल को मैंने सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट को यूज किया है। अगर मैं इसका प्राइस के हिसाब से बोलूं, इसका जो प्राइस है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस है इन दोनों में से, दैट इज 645 रुपीज़, अगेन 30% ऑफ में मिला है। बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है। अगर हाँ, अगर आप बॉडी लोशन के फ़ैन हैं आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी ड्राई इतनी स्किन है तो उसके लिए बॉडी बटर इट्स द बेस्ट वे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली काफ़ी ग्रीसी लगता है जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, जैसे एक बार एब्जॉर्ब कर जाएगा आपकी बॉडी में नरिशमेंट आ जाएगी और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई बॉडी लोशन की आफ्टर 2 to 3 आवर्स के बाद। ये मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 12 आवर्स तक आफ्टर बाथ के बाद इसकी जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट यूज कर सकते हैं। वेल मैं सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये बताने वाली हूँ, इसको यूज़ करने का जो तरीका होगा। इसमें बहुत सारे कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको मसाज करके यूज़ करना है 10 मिनट तक जब तक आपका एब्जॉर्ब ना हो जाए। बट आई विल टेल यू कि जब आप नहा लेते हैं ठंडे पानी से आपके जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद इस ऑयल को यूज़ कीजिए। मैं आपको ऑयल यूज़ करके बता रही हूँ, देखिए कितना सारा ऑयल आपको आया है। एंड यू कैन अप्लाई एट योर पाम, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा है ये ऑयल। जिन लोगों के लिए बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेफिनेटली यू कैन परचेज। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली यू शुड यूज इट। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आफ्टर 10 मिनट्स के बाद ये एब्जॉर्ब ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप ऐसे सर्कुलर मोशन में आप अपने बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इसको मैं यूज करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा होता है बॉडी स्क्रब। मैं थोड़ा सा लूंगी, आप अमाउंट देख सकते हैं कि मैंने कितना अमाउंट रखा है। और ये जो स्क्रब है
वो कुछ इस तरीके का होगा जो आप स्क्रब करोगे। ये डेफिनेटली आपको टोनिंग प्रोवाइड करेगा, स्मूथ स्किन प्रोवाइड करेगा, बट आई वोंट सजेस्ट यू दिस प्रोडक्ट पर्सनली। नेक्स्ट मैं ले आ रही हूँ ये बटर बॉडी बॉडी बटर, जो मेरा फेवरेट है। मैं एवरी डे तो नहीं लगा पाती हूँ, पर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और ये थोड़ी वैक्सी है और इसके जो स्मेल है वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड पर मुझे प्रोडक्ट वाइज काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अब तक ऐसा कोई लोशन नहीं मिला था, बॉडी लोशन, जो स्टिक रहे आपके बॉडी में काफ़ी देर तक। तो ये पूरा मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, क्योंकि मैं अभी समर पे यूज़ कर रही हूँ, तो आपको लग सकता है ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली लग रहा है। काफ़ी लोगों को ये पसंद भी ना आए, बट मुझे, मेरे ड्राई स्किन है करके मुझे ये अच्छा लगा। अगर मेरी ऑयली स्किन होती तो डेफिनेटली आई वोंट परचेज दिस प्रोडक्ट। आई होप यू गाइज, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। इतने एम कैफिन के प्रोडक्ट्स हैं, वेल स्क्रब भी है, फेस स्क्रब, ये सारे मैंने बॉडी प्रोडक्ट्स के लिए मैंने यूज़ बताया है, फेस स्क्रब, फूड फूड स्क्रब एंड फूड लोशन एंड फेस वॉश भी आपको मिल जाएंगे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स के वेबसाइट से। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कितना हेल्पफुल किया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।